God is nothing, someone is not sitting upstairs. God in is within us, within all of us. अब सब हमारे अंदर ही है. Just by remembering God means हम भगवान को याद करके क्या हासिल करना चाहते हैं? We are creating extra power within ourselves. हमारे सबके अंदर extra power है, which we can हम जो सोच सकते हैं उससे 10 गुना extra power है हमारे अंदर. वो उसको बाहर लाने की formula क्या है? This प्रभु कृपा बोलते हैं इसे, भगवान को याद करने की फॉर्मूला. समझ में आ रहा है? तो जब हम भगवान को याद करते हैं, प्रभु को याद करते हैं, तो वो जो शक्ति है, कौन सी शक्ति? क्रिएटिव शक्ति, सर्जन शक्ति. जनरेटर मींस व्हाट? क्रिएटिव एनर्जी. ऑपरेटर मींस व्हाट? बैलेंसिंग एंड प्रोटेक्टिव एनर्जी. समझ में आ रहा है? और डिस्ट्रक्टिव एनर्जी, ब्रह्मा विष्णु महेश, हम खुद ही है. हमारे खुद के अंदर ही ब्रह्मा है, हमारे खुद के अंदर ही विष्णु है, हमारे खुद के अंदर ही महेश है. व्हाट इज ब्रह्मा शक्ति? ब्रह्म शक्ति मींस व्हाट? पावर ऑफ क्रिएटिविटी, सर्जन शक्ति, पावर ऑफ क्रिएटिविटी. ये किसके अंदर है? हमारे अंदर है कि वो भगवान के अंदर है? वो भगवान हमारे अंदर है और वो ही शक्ति को हम क्या करते हैं? जैसे वो कोल्ड ड्रिंक्स का बुच खोलते हो आप, तो कैसे आता है वो कोल्ड ड्रिंक? कैसे आता है? ऊपर आता है ना. ये प्रभु कृपा प्रेयर्स जो है वो क्या करता है? हमारे अंदर की ही एनर्जी जो है, गॉड एनर्जी, वो ऊपर आती है. इट कम्स एंड इट्स It helps us in living a better life. That energy is within us. वो शक्ति हमारे अंदर ही है. तो प्रभु कृपा यानी क्या? हम उसे याद करके invite करते हैं to revive that energy. आप कभी भी मायूस हो जाएंगे, down हो जाएंगे, तो ये प्रभु कृपा करने की अगर आदत है आपको, तो it will help you.